हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, आज ब्राइटकॉम ग्रुप में थोड़ा झटका लगा था। मॉर्निंग में थोड़ा पैनिक का माहौल था मार्केट में और उसका इम्पैक्ट हमें ब्राइटकॉम ग्रुप पे देखने को मिला। शेयर 10 रुपीज़ 45 पैसे तक चला गया था, बट तुरंत उसमें बाइंग आ गई और फिर से शेयर अपर सर्किट में जा पहुँचा। तो थोड़ा सा अभी जैसे ऐसे शेयर में इतने सर्किट लग चुके हैं कि थोड़ा डर का माहौल है। लोग प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं कि सभी लोग ऊपर के लेवल पे बाय करके नहीं बैठे हैं, नीचे के लेवल से जिन लोगों ने बाय किया है वो सेलिंग कर रहे हैं और धीरे धीरे हमें वॉल्यूम भी बढ़ते देखने को मिल रहा है। आज का वॉल्यूम 1,60,00,000 हुआ। तो थोड़ा सा अभी एक टेंशन वाला माहौल हो सकता है आने वाले दिनों में देखने को मिले, क्योंकि ब्राइटकॉम का शेयर नीचे से काफ़ी अपर सर्किट मार चुका है और जिन लोगों ने नीचे से शेयर को घुमाया होगा, बाय किया होगा, वो धीरे धीरे अपना माल बेचते जा रहे होंगे और जैसे ही उनका माल ख़त्म होगा हो सकता है हमें शेयर नॉर्मल ट्रेडिंग करते हुए दिखे या करेक्शन भी देखने को मिल सकता है। 11 रुपीज़ 55 पैसे तक अभी ब्राइटकॉम का शेयर पहुंच चुका है और बट अभी पॉजिटिव बात यह है कि अभी भी एमओ ऑर्डर बाइंग के लिए 2,91,000 शेयर्स की लगी हुई है। मतलब आज भी कुछ लोग बाय नहीं कर पाए जिन्होंने एमओ ऑर्डर लगाई है, तो अच्छी बात है। बट आज वॉल्यूम ज़्यादा हुआ है, ये थोड़ा सा चिंता का विषय है। कम वॉल्यूम में अपर सर्किट लगना ये अच्छी बात होती है, बट आज इतना वॉल्यूम हुआ है मतलब किसी ने बल्क में आज माल बेचने की कोशिश की, जिसके कारण इसमें आज सर्किट खुल गया था, डायरेक्ट स्ट्रेट अपर सर्किट में नहीं लगा था। बट चलो आशा करते हैं कि इसी बीच कंपनी की ओर से कोई न्यूज़ आ जाए और ये जो अपर सर्किट है ये लगातार ऊपर ही चलता रहे। बट अगर बीच में ऑपरेटर्स लोगों ने फिर से बल्क में माल बेच दिया तो हो सकता है उल्टा भी हो सकता है। बट आशा करते हैं कंपनी की ओर से जल्द कोई न्यूज़ आ जाए जिसके कारण ये शेयर चुक की जो रैली चल रही है ये लगातार चलती रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।